नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और वक्त हो चला है इंडिया 360 का। हम हाजिर हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। जम्मू के सुंजवा आर्मी कैंप में जैश ए मोहम्मद का फिदायीन दस्ता आज तड़के घुसाया। आतंकवादी सेना के क्वार्टर को निशाना बना रहे थे, यानी उनकी नजर फौजियों के परिवार वालों को नुकसान पहुंचाने पर थी, लेकिन हमारे जवानों ने वक्त रहते उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। 15 घंटे के ऑपरेशन के बाद फौज ने एक आतंकी को मार गिराया है, जबकि हमारे दो जवान शहीद हो गए हैं। यह ऑपरेशन अब भी जारी है। कुछ और आतंकवादियों के भी अभी अंदर छुपे होने की आशंका है। कड़े पहरे वाला जम्मू का सुंजवान आर्मी कैंप अचानक गोलियों और ग्रेनेड के हमले से थर्रा उठा। आतंकी दबे पांव सेना के कैंप में घुस आए और सीधे जवानों के परिवार वाले क्वार्टर को निशाना बनाया। पांव फटने से पहले करीब 4 बजे सुंजवान कैंप के पिछले हिस्से से आतंकियों ने धावा बोला। आतंकियों की टोली फायरिंग करती हुई क्वार्टर में घुस गई। आतंकी सेना के जवाबी कार्रवाई से पहले ही बड़ा नुकसान करने के फिराक में थे, यानी आतंकियों के निशाने पर सेना के क्वार्टर थे जहां जवानों और अफसरों का परिवार रहता था। आप समझ सकते हैं कि आतंकियों के दिमाग में कितनी घिनौनी साजिश पल रही थी। हमले के फौरन बाद सेना ने मोर्चा संभाला। फौज की क्विक रिएक्शन टीम हरकत में आ गई। आनन फानन में जवाबी फायरिंग शुरू हुई। सेना का पहला मकसद आतंकियों को एक जगह घेर लेना था जिससे वो कोई बड़ा नुकसान न कर सके। इमारत से लोगों को बाहर न आने की नसीहत दी गई है। इमारत के अंदर काफी लोग अभी भी फंसे हुए हैं। कुछ लोगों को वहां से सेना ने निकाल लिया है। ऑपरेशन जो है अंतिम चरण पर है और सुरक्षा बलों ने पूरा घेर के रखा हुआ है। जल्द ही ऑपरेशन कंप्लीट होगा और आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। सेना के सूत्रों के मुताबिक आतंकी जिस फौजी क्वार्टर में घुसे थे वहां सैनिकों का परिवार फंसा था। इससे पहले कि आतंकी उन्हें नुकसान पहुंचाते, सेना की टुकड़ी ने सीधा हमला किया। उनका मकसद परिवार वालों को सुरक्षित निकालना था। दोनों तरफ से चली फायरिंग में सेना के एक जेसीओ और एक जवान शहीद हो गए, जबकि 4 घायलों में से एक कर्नल रैंक के आर्मी ऑफिसर हवलदार अब्दुल हामिद, लांस नायक बहादुर सिंह और सूबेदार चौधरी की बेटी शामिल है। ड्यूरिंग द ऑपरेशन 1 JCO हैज बीन मार्टियर्ड एंड 6 other persons including ladies and children have suffered minor injuries. They have been evacuated to MH. हमले के फौरन बाद उधमपुर से इंडियन एयरफोर्स के पैरा कमांडोज को जम्मू एयरलिफ्ट किया गया। पैरा कमांडोज आतंकवादियों की तलाश के लिए हर कमरे की छानबीन कर रहे हैं। सेना के मुताबिक कैंप में 2 आतंकियों के छिपे होने की संभावना है। हालांकि जम्मू कश्मीर सरकार ने सेना के कैंप में 2 से ज्यादा आतंकियों के छिपे होने की बात कही है। सूत्रों के मुताबिक कैंप में घुसे आतंकी जैश ए मोहम्मद के बताए जा रहे हैं। जाहिर है उनका मकसद सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाने का था। यही वजह है कि ऑपरेशन में पैरा कमांडोज को तैनात किया गया है। सेना ऑपरेशन के दौरान फूंक फूंक कर कदम रख रही है। आतंकियों को फौजी क्वार्टर के पास घेर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक फौज अंतिम प्रहार की तैयारी में है। जम्मू के सुंजवान आर्मी कैंप से अश्विनी कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। बड़ा सवाल यह है कि खुफिया रिपोर्ट होने के बावजूद सुंजवान आर्मी कैंप में आतंकी हमला हुआ, तो क्या खुफिया रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं लिया गया? आखिर कैसे सुरक्षित माने जाने वाले सुंजवान आर्मी कैंप में आतंकवादी घुस पाए? बेहद सुरक्षित माने जाने वाले सुंजवान आर्मी कैंप में आतंकियों का घुसाना एक बड़ी चूक है। सूत्रों के मुताबिक इस बेस कैंप में 3,000 के करीब जवानों का परिवार रहता है। ऐसे में इस सैन्य शिविर में ग्रेनेड और स्वचालित हथियारों से हमला कर आतंकियों का घुसना चौंका रहा है। सूत्रों के मुताबिक खुफिया ब्यूरो ने 9 फरवरी से 11 फरवरी के बीच आतंकी हमले का अलर्ट भी जारी किया था। खुफिया एजेंसियों ने अफजल गुरु की बरसी पर जैश ए मोहम्मद के हमले का अलर्ट दिया था।
संसद हमले के आरोपी अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को फांसी दी गई थी। जैश ने भी हाल में बड़े आतंकी हमले की चेतावनी दी थी। हालांकि खुफिया एजेंसियों ने ऐसी रिपोर्टें दी थी कि आतंकवादी जम्मू शहर में किसी भी इम्पोर्टेंट प्लेस पर अटैक कर सकते हैं, मगर आर्मी ने हालांकि प्रिकॉशंस लिए थे, मगर जिस तरह से आर्मी कैंप सुंजवा के पीछे का इलाका है वो सारा खाली पड़ा हुआ है और वहां से इजीली जो है आतंकवादी अंदर जा सकते हैं। यानी हमले की आशंका पहले से ही जाहिर की गई थी। अब सवाल उठता है कि खुफिया जानकारी के बावजूद क्यों आतंकी सैन्य शिविर में घुसने में कामयाब हो गए। अब वो घुस गए हैं, आराम से बैठेंगे बरातियों की तरह, जितने लोग हमारे मारने वो मारेंगे, खुद आपको शहीद हो जाएंगे, वो मरने के लिए तो आए हैं, पर उनको पाकिस्तान को तो बहुत सस्ता पड़ता है ये गेम, महंगा तो हमें पड़ रहा है। और इसके लिए हमको उचित कार्रवाई तब करनी पड़ेगी जब हम अपनी पॉलिसी को प्रोएक्टिव बनाएंगे। हमले के तुरंत बाद दिल्ली तक हड़कंप मच गया। सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को जानकारी दी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जम्मू कश्मीर के डीजीपी से रिपोर्ट मांगी। सबको ऑपरेशन खत्म होने का इंतजार है। नहीं, आश्वस्त रहिए, आश्वस्त रहिए, हमारे सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस के तमाम बखूबी जो है जो जिस काम को अंजाम देना चाहिए वो दे रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं और कभी भारतवासियों का मस्तक को झुकने नहीं देंगे। आतंकी हमले को देखते हुए सुंजवान इलाके में सभी स्कूल एहतियातन बंद कर दिए गए हैं। लोगों को घरों के अंदर ही रहने का निर्देश दिया गया है। उधमपुर में भी सेना के कैंप में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जम्मू के सुंजवान आर्मी कैंप से अश्विनी कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। और शुजा उलक हमारे साथ आ गए हैं, एक बार उनके पास चलते हैं लाइव अपडेट लेने के लिए। शुजा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी उम्मीद है मुझे, फिलहाल क्या रिपोर्ट्स आपके पास आ रही हैं? देखिए रोहित, अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं पिछले करीब 15 से 16 घंटे से लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है और अब जाके एक के मारे जाने की खबर है। एक इनमें से जो हमलावर है उसकी बॉडी देखी गई है और ना सिर्फ बॉडी देखी गई है बल्कि कुछ असलाह भी बरामद किया गया है। और जो जो सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि उसके साथ साथ जैश ए मोहम्मद ग्रुप का एक फ्लैग भी मिला है। मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ महीनों से जैश जम्मू कश्मीर में अलग ही तरीके से सक्रिय है और वो अपनी इन एक्टिविटीज़ को अफजल गुरु नाम के स्क्वाड से ब्रांडिंग करती दिखती आ रही है। पिछले एक साल में करीब 5वां ये सुसाइड अटैक है जो जैश ए मोहम्मद ग्रुप ने जम्मू कश्मीर में किया है और अब तक सुरक्षा एजेंसीज का यही कहना है कि इसका साफ एक ही मोटिव रहता है कि किसी ना किसी तरीके से किसी कैंप में घुस जाए और कोशिश ये की जाए कि जब जितनी देर हो सके उतनी देर ये ऑपरेशन चले ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूज और हेडलाइन इसकी बने। बहुत बहुत शुक्रिया शुजा फिलहाल वहां से जानकारी देने के लिए। अब तक तो ये भी पता नहीं है भारतीय सुरक्षा बलों को कि आखिर कितने आतंकवादी हैं जो उस कैंप के अंदर घुसने में कामयाब हो गए हैं। वैसे शर्मनाक है, एक तरफ हमारे जवान आतंकवादियों के साथ लोहा लेते हुए शहीद हो रहे, दूसरी तरफ सूबे का एक विधायक विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा। ये विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस के अकबर लोन है जिनकी जुबान विधानसभा में पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाते वक्त बिल्कुल भी नहीं लड़खड़ाई। जम्मू पठानकोट हाईवे पर आतंकियों के खिलाफ हमारे जवानों को मोर्चा संभाले अभी कुछ ही वक्त बीता होगा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में आतंकी हमले पर सियासत सुलगने लगी। विधानसभा में विपक्ष ने सरकार से आतंकी हमले को लेकर सवाल दागे तो सत्ता पर काबिज बीजेपी के विधायकों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने अपनी आवाज को बीजेपी विधायकों की आवाज से ऊपर करने की पूरी कोशिश की लेकिन जब नाकाम रहे तो कुनबे में से एक ने पाकिस्तान के समर्थन में ही नारेबाजी शुरू कर दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अकबर लोन ने वो कह दिया जिसकी किसी विधायक से कभी उम्मीद नहीं की जा सकती, जो भारत के संविधान की शपथ लेता हो लेकिन गीत पाकिस्तान के नाम का गाता हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक के पाकिस्तान समर्थक बोल के बाद विधानसभा में बवाल खड़ा हो गया। बीजेपी विधायकों ने अकबर लोन की नारेबाजी का विरोध किया और फिर स्पीकर को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। हद तो तब हो गई जब विधानसभा से बाहर भी फारूक अब्दुल्ला के चेले ने वही शब्द दोहरा दिए।
आतंकी हमले पर शुरू हुई सियासत अकबर लोन की नारेबाजी के बाद और सुलग गई। सत्तारूढ़ पार्टियों ने फौरन सियासी मोर्चा खोल दिया। इस बीच अपने विधायक के नारेबाजी से नेशनल कॉन्फ्रेंस बैकफुट पर है और अकबर लोन के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से किनारा कर रही है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया और सिर्फ इतना लिखा कि पार्टी अकबर लोन के बयान की निंदा करती है। दिलचस्प ये कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में आतंकी हमले को लेकर न सिर्फ पाकिस्तान मुर्दाबाद और जिंदाबाद के नारे लगे बल्कि रोहिंग्या का एंगल भी सामने आया। विधानसभा के स्पीकर ने खुद कहा कि कैंप के पास रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों ने आतंकियों की मदद की। तो वाकई में ये चिंता का विषय है। तो जिस प्रकार से मुझे लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उसके लिए सक्षम है, जो भी कार्रवाई करेंगे ढंग से करेंगे। आतंकी हमले में रोहिंग्या का हाथ है या नहीं ये तभी साफ हो पाएगा जब जांच आगे बढ़ेगी, लेकिन पाकिस्तान के रोल पर शायद ही किसी को शक है। ऐसे में अकबर लोन का पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना बेहद शर्मनाक है। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को जवाबदेही तय करनी होगी। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। बड़ी खबर आ रही जम्मू कश्मीर से, जहां सुंजवा में चल रहे ऑपरेशन में एक और आतंकवादी मार गिराया गया है। इसके पहले एक आतंकवादी मारा गया था, अब दूसरा आतंकवादी भी मार गिराया गया है, लेकिन कुछ आतंकवादी अब भी छुपे हुए हैं। 15 घंटे से ऑपरेशन चल रहा है। अश्विनी हमारे साथ आ गए हैं अपडेट लेकर। अश्विनी, कितने आतंकवादी अब तक ये पता चल पाया कि नहीं? जी, अभी तक जो शिवांगी रिपोर्ट थी 3 से 4 आतंकवादियों के छुपने की खबर के अंदर जो था, अभी तक 2 आतंकवादी मार गिराए हैं, उनसे ग्रेनेड्स और हैवी एमुनिशन पकड़ा गया है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये सब स्पेकुलेटिव खबर्स हैं, क्योंकि जहां से फायर आ रहा है वहीं से पता लग रहा है कि इतना फायर आ सकता है। एक खबर ये भी है कि 3 से 5 आतंकवादी अंदर थे, उसमें से अगर 2 मार दिए हैं, अभी फिर भी 3 आतंकवादी हैं और क्योंकि फायर अभी भी चल रहा है और जो राइट साइड वाला जो फैमिली क्वार्टर है उसमें आतंकवादी घुसे हुए हैं। आर्मी ने ऑलरेडी उनको इंस्ट्रक्शन दी है फील्ड स्टाफ को कि अगर उनको पूरा रात भी वेट करना पड़े बट अपनी कोई कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, अपना कोई इस तरह से इंजुरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंदर जो है फैमिली क्वार्टर्स में काफी अपनी फैमिली फंसी हुई है, उसकी वजह से ऑपरेशन डिले हो रहा है और अंदर जनरेटर सेट और पूरा इंतजाम कर लिया गया है। शुक्रिया अश्विनी फिलहाल जानकारी देने के लिए। अश्विनी बता रहे हैं कि दूसरा आतंकी भी मार गिराया गया, लेकिन ये अभी तक पता नहीं चल पाया कि अंदर कुल आतंकी कितने हैं। लेकिन मसूद अजहर वही आतंकी है जो पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ लगातार साजिशें कर रहा है। सुंजवा आर्मी कैंप में जैश के आतंकियों ने आज हमला किया और इस हमले की साजिश बहुत पहले से रची जा रही थी। जम्मू के सुंजवान आर्मी कैंप में जैश मोहम्मद के फिदायीन दस्ते की घुसपैठ कोई पहली वारदात नहीं है। जैश के आतंकी सेना के कैंप में हमले के लिए बदनाम है। जैश का जिक्र आते ही 2001 में संसद पर हमले का काला दिन जहन में घूमने लगता है। जैश का जिक्र आते ही मसूद अजहर का चेहरा और उसकी नापाक साजिशें भी दिखने लगती हैं। सुंजवान कैंप में आतंकी हमले की समानता उड़ी हमलों की तरह है। उड़ी में भी आतंकियों ने हमले के लिए सुबह का वक्त चुना था और सुंजवान आर्मी कैंप में तड़के 4 बजे के करीब आतंकियों ने मोर्चा खोला। आज तक के पास जैश के ऑपरेशन हेड रऊफ अजहर की वो आवाज है जिसमें वो मसूद अजहर के मुजफ्फराबाद में मौजूदगी और हिजबुल चीफ सलाउद्दीन के बीच बैठक की बात कर रहा है। वो बता रहा है कि कश्मीर में उसके फिदायीन दस्ते बड़े हमले की फिराक में हैं। जनाब सलाउद्दीन साहब कश्मीर का दर्द बयान कर रहे थे, क्या मुसलमानों भूल जाओगे? नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह, कश्मीर को नहीं भूलेंगे, किसी शहीद को नहीं भूलेंगे। हाँ जैश वालों, बता दो इन दुनिया वालों को कि आज हम यहां पर जमा हो गए, मुजफ्फराबाद जमा हो गए। 2020 में कैसा होगा टेलीविजन का न्यूज रूम? ENBA की तरफ से आज इस विषय पर एक परिचर्चा आयोजित की गई। परिचर्चा में आज तक के मैनेजिंग एडिटर सुप्रिया प्रसाद ने पत्रकारिता की मौजूदा दशा पर चिंता जाहिर करते हुए न्यूज चैनलों से विश्वसनीयता पर जोर देने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो न्यूज रूम इन 2020 से न्यूज खत्म ही हो जाए और सिर्फ 2020 रह जाए। क्या हम 2020 तक वास्तव में पत्रकारिता की जो क्रेडिबिलिटी है
जो साख है, जो हम लोग का लोगों का भरोसा है, वो बचा कर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। हो सकता है कि एक दो चैनल इससे सहमत हो ना हो, अलग हो, एक दो चैनल ऐसा करते हो, लेकिन किसी के करने का खामियाजा किसी और को भुगतना ही पड़ेगा। आम लोगों की नज़र में, जो हमारे व्यूअर हैं, दर्शक की नज़र में कोई अलग नहीं है, सभी को मानते हैं कि एक सही है। तो इसलिए जब तक हम इस पर गहन चिंतन नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि न्यूज़ 2020 तक हम लोगों की कोई न्यूज़ शब्द रह जाएगा। हम लोग 2020 बन के ही रह जाएंगे। ये लोग आएंगे, हमें मनोरंजन के तौर पर देखेंगे 3 घंटा और चले जाएंगे। तो इसी के साथ मेरे एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।